तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त यूवी परमार। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और टॉपिक कोई था नहीं, लेकिन सडनली एक फेस्टिवल आ रहा है, काइट फेस्टिवल, जिसकी बहुत लोग वेट करते हैं, पूरे पूरे साल तैयारी भी करते हैं कुछ लोग। ठीक है, अब तैयारी तो बहुत लोगों ने, आप लोगों ने भी की रखी होगी, लेकिन कबूतर के बारे में आप लोगों ने क्या तैयारी की है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वाह करो। वैसे तो ये वीडियो मुझे बहुत पहले रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पे था नहीं, ठीक है, बाहर था और टाइम भी थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया, इसलिए ये वीडियो जो डाल रहा हूँ शायद अगले साल आप लोगों के काम आ जाएगी। ठीक है, इस साल तो पता नहीं, लेकिन जो लोग आज ये देख रहे हैं कल उनके लिए काम आएगी। तो जैसे कि मैं कर रहा था अपने कबूतर के लिए, मैं तो एक हफ्ते पहले ये स्टार्ट कर देता था कि जब भी ऐसा लगे कि अब पतंग उड़ने के चालू हो गए, माहौल हो गया है शुरू काइट फेस्टिवल का, ठीक है, तो मैं ना कबूतरों को सिर्फ एक टाइम निकालता था बाहर खाना खाने के लिए, और वो भी शाम के टाइम, और शाम के टाइम पे निकाल रहा था उनको, और पूरा जितना भी उनको खाना है भरपेट एक ही टाइम खिलाना। सुबह में क्या होता है, सुबह में ज़्यादातर पतंगे लोग उड़ाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके कबूतर जब उड़ेगी ना तो जानबूझ के पतंग वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, और आपका कबूतर दोस्तों मर भी सकता है। ठीक है, मेरा खुद एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जानबूझ के आपके कबूतर नहीं देख पाते, तो वो पतंग उड़ा के कबूतर को डिस्टर्ब कर देंगे, चोट लगा सकते, मार भी डालते, भगा भी देते। ठीक है, तो आप एक टाइम खाना कर दो एक हफ्ते पहले, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर का ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए तो बहुत देर हो गई इस बार, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कल जिस दिन, ठीक है, 14 जनवरी जब काइट फेस्टिवल होगा, तो आप उस दिन हो सके तो सारे कबूतरों को आप पहले पिन लगा दो उनके परों में, ठीक है, या फिर टेप से बांध दो सारे कबूतर, आज रात को ही ये कर लो। ठीक है, दूसरे दिन सुबह में जितना हो सके आप 7 से 7:30 बजे में सारे कबूतर को निकाल लो, ठीक है, और उनको चने फिर रोटी भाखरी ऐसा जो हैवी खुराक है, ठीक है, जो भी हैवी फूड है वो आप खिला दो उन्हें, पूरा दिन उनको खाने की और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपको भी पूरे दिन उनको बाद में नहीं निकालना है, पानी जितना पीना है एक दिन में आप सब कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, कबूतर को उड़े नहीं पाएगा, उनको कोई चोट नहीं लगेगी, आप भी कबूतर को खिला पाओगे, ठीक है, और कबूतर भूखा भी नहीं रहेगा। वरना अभी ये जो फेस्टिवल है बहुत रिस्की भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कबूतर के लिए, जो छोटे बच्चे उनके लिए भी, जो बड़े लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये फेस्टिवल हर साल आएगा, ठीक है, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो उससे ज़्यादा कोई कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो आप, कोई ऐसा रिस्क मत ले लो यार कि दूसरी बार ये फेस्टिवल आप मनाने के लायक ही ना रहो, कहीं पे भी चढ़ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, रोड पे भी ऐसे बच्चे लोग भागते हैं, तो आप उनको रोका करो, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं सिर्फ कबूतर के पर्पज़ से आप इसे देखो, अपनी लाइफ में भी थोड़ा इंटरफेयर कर लो इस तरह से, दूसरों को भी बताओ कि ये भाई बहुत गलत है, सेफ कर, सेफ भी सब कुछ करो जो भी करो, ठीक है, पागल मत बन जाओ इसमें, समझ रहे हो। और कबूतर को नेक्स्ट ईयर जब भी हो एक हफ्ते के पहले ये ट्रेनिंग दे देनी चाहिए आपको, एक ही टाइम खिलाना है, वो भी सुबह में या शाम में, मैं शाम में खिलाता था, और आप भी ऐसा करो जब भी खुला तो शाम को खिला दो परपेट, ठीक है, और जब कल है फेस्टिवल तो उसके अगले दिन रात को सारे कबूतर के पर बांध दो, नेक्स्ट डे सुबह में 7 से 7:30 बजे में आप ऐसा उनको हैवी खुराक दे दो, जिस ऐसा फूड दे दो कि वो उनको भूख ना लगे शाम तक, और चला ले नेक्स्ट डे के लिए, उनको दिक्कत ना आए, ठीक है। और दूसरी तो जो आप मुझसे भी ज़्यादा मैच्योर होगी इसमें कुछ लोग, ठीक है, और कुछ ज़्यादा बताने की इसमें तो कोई ज़रूरत है नहीं, बस जो बताना था वो बता दिए, ठीक है, और कुछ भी हो तो आप लोगों को मेरा नंबर अब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो सैटरडे या संडे को मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो दूसरे लोग हैं कभी भी कॉल करते मैं नहीं उठाता, अगर फ्री होगा तो उठाओगे, सैटरडे संडे को कॉल करो तो मैं ज़रूर उठाऊंगा, ठीक है, कभी भी कॉल मत किया करो।
और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, तो आप अपनी तरह से यूज़ करो, दूसरों को शेयर करो, उनको भी बताओ कि कबूतर का किस तरह से ख्याल रखना है। और नेक्स्ट डे जब भी आप फेस्टिवल मना ले तो छत पे जितना भी कचरा है, धागा, डोरी, पतंग के टुकड़े, कुछ भी जिससे कबूतर जो खा ना ले उसके पैर में या गले में अटक जाए, ठीक है, मर सकता है, सब पहले अपनी छत को साफ कर लो पूरा एरिया, बाद में कबूतर को दूसरे दिन सुबह में खोलना, ठीक है। वरना कुछ भी हो जाएगा बाद में, आप दवाई मांगोगे कि इसका ये कट हो गया है, खून निकल रहा है, अब क्या दे दवाई, दवाई के बारे में मुझे फ़ोन करोगे, उससे अच्छे आप पहले ही सेफली सब काम करो जो करो, ठीक है। तो मुझे लगा ये वीडियो बना देता हूँ, और आपको वो जो भी नए टॉपिक ज़्यादातर बन चुके हैं मुझे सजेस्ट करना, जो भी मुझे ठीक लगेगा वो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। और कुछ लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि भाई मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हूँ गुजरात से, ठीक है, मैं गुजरात से हूँ। अभी जो मैं जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये है खेड़ा, गुजरात का खेड़ा ज़िला है, ठीक है। वैसे तो मैं सुरेंद्रनगर साइड का हूँ, काठियावाड़ से, ठीक है। इसीलिए जो मुझे थोड़ा लगा कि बता देना चाहिए, जो मैंने देखा है कई बार, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस है कबूतर को लेके, कि कुछ लोग आप कबूतर उड़ाओगे तो वो देख नहीं पाएंगे, जानबूझकर कबूतर को इंजर्ड कर देंगे, दुख और नुकसान, पैसा सब आपका बर्बाद होगा, उससे कुछ नहीं जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे उसका, ठीक है। क्योंकि फेस्टिवल में तो सब पतंग उड़ाएगा, आप किन किन को रोकने के लिए जाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा लॉजिक लगाओ और अपना जो भी काम है सब करो, लेकिन सब सेफली, ठीक है। कबूतर या पतंग के पीछे इतने भी पागल मत हो जाओ कि आप अपनी लाइफ से खेल पड़ो, समझ रहे हो। और कुछ लोगों का अभी भी कॉल आ रहा है कि आप ये वीडियो बनाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप पहले मेरी प्लेलिस्ट तो देखो, सारे वीडियो अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। जो वीडियो नहीं है वो आप बताओ। कुछ लोग ऐसे ही फ़ोन करते थे कि ये वीडियो चाहिए, लेकिन वीडियो होती है यार, आप लोग चेक करो, अगर ना हो ऐसी वीडियो बनाओ, ठीक है। एक लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, एक दो लोगों ने, कि ये टॉपिक है, वो टॉपिक में बाद में आपको इसकी वीडियो जल्दी आ रही है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वीडियो बनाने में, जल्दी बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और हाँ, जो पूछते थे कि आप कबूतर कब लाओगे, तो मैं बोल रहा हूँ 3 महीने के, 3-4 महीने में मैं कबूतर ला रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कम से कम 1 से 2 जोड़ा लाऊंगा, ठीक है। और जो बिगिनर है इस फील्ड में, उनके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी रखी हुई है, जो नए नए शौक कर रहे, पहले आप देख लो, देख लो, ठीक है। बाद में ऐसा कुछ हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। बाकी तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, व्हाट्सअप नहीं है, सैटरडे संडे को कॉल ही कर देना कोई भी काम हो तो, ठीक है। बेकार में कुछ मेरे जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहाँ से हो, खाना खा लिया, सो गए, ऐसा सब, ठीक है, समझ रहे हो। काम की बात करेंगे, कॉल करना, मैं उठाऊंगा, सैटरडे संडे हो, ठीक है। और अगला कोई नया टॉपिक हो तो मुझे बता देना, उसके लिए कभी भी कॉल करके बता सकते हो, कमेंट कर देना, वीडियो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन टॉपिक नया होना चाहिए। चलो, तो ये कुछ बातें थी जो बतानी ज़रूरी लगी, इसलिए बना दिया। मिलते हैं अगली बार, ठीक है।